वफाक और सुन्नी इत्तेहाद के माबैन बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात को आवाम ने खुश आइंद करार दे दिया। शहरियों का मजीद क्या कहना था आइए जानते हैं। मुल्क के हालात और सारी चीज़ें अगर हमारे सूबे की देख ले तो ये खुश आइंद बात है हमारे सूबे के लिए, एक अच्छा स्टेप है जो अली अमीन गंडापुर ने लिया है। आल्दो के कुछ रिजर्वेशन हैं पीटीआई के हवाले, पीटीआई के उसके मैंडेट के ऊपर, बट मुल्क को तो आगे लेके जाना है हमने। जो आपस में इनकी खालिश और काली गलोच की सियासत चल रही है इतनी अच्छी नहीं है। ये हम तो कहेंगे कि मिलजुल के बैठें और आपस में मिलजुल के काम करें जिससे हमें हम आवाम को फ़ायदा हो, हमारे सूबे को फ़ायदा हो। जब मरकज हमें फंड देगा तो हम आगे का चल सकते हैं, जब हमारे पास फंड ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे चलेंगे। बात ये बहुत अच्छी बात की और ठीक है, इख्तलाफात मेरा सियासी से इख्तलाफ होना चाहिए लेकिन मुआशी इख्तलाफ ये नहीं होना चाहिए कि अवाम को जिससे फ़ायदा हो, अवाम को फ़ायदा दे के देना चाहिए कि ताकि अवाम उससे कुछ रिलीफ मिले हमें। हमारे सूबे का जो हक है वो उनको देना चाहिए हमारे सूबे का। बाकी अपने सूबे के लिए जो गंडापुर साहब जो जदोजहद कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि हमारे सूबे के लिए बड़े मसले मसाइल हैं जो वो हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। मिलजुल कर हम हुकूमत चलाएँगे तब बात बनेगी, तो ये एक अच्छा स्टेप है अगर इन्होंने उठाया है तो उनके साथ बातचीत कर लें, बातचीत करके इनके लिए भी इनको अपनी चीज़ जो है अपना हक जो चीज़ है सुबह सरहद का वो उनको मिलता रहे तो ये हमारा इलाका भी जो है ये भी अच्छा चलेगा और उनको भी मुतमईन होंगे वो लोग भी कि ठीक है ये लोग हमारे साथ ताउन करते हैं।